तो हाय फ्रेंड्स, फिर से आप लोग को हमारे चैनल विज्ञान टेक पर आज फिर से आप लोग एक न्यू वीडियो इस वीडियो बताएंगे क्या जानते हैं हम लोगों को क्या आपका फेसबुक हैक हो गया। आप लोग को लग रहा है कि मेरा फेसबुक हैक हो गया, अब मेरा फेसबुक कोई और पर उपयोग कर रहा है, मेरे फेसबुक पर कोई और फोटो छोड़ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कौन है जो मेरे फेसबुक को हैक कर लिया। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका फेसबुक या मेरा फेसबुक या किसी का फेसबुक हैक हो गया तो उसे कैसे पता करना है और उसे कैसे आप लोग से अपना हैक होने से बचाना है और कैसे आप लोग उसे बच सकते हैं। तो जानना चाहते हैं कि आप लोग फेसबुक हैक है या नहीं है, या हैक हो चुका है तो उसे कैसे बचना है। तो प्लीज़ अगर जानना चाहते हैं कि आपका फेसबुक हैक हो चुका है तो उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो अपना फेसबुक अपना बचा सकते हैं और अपना फेसबुक आप लोग सिक्योर कर सकते हैं और आपका फेसबुक कोई आज से हैक भी नहीं कर पाएगा। तो जानना चाहते हैं कैसे आप लोग पता कर सकते हैं मेरा फेसबुक हैक हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। और वीडियो थोड़ा सा भी स्किप कीजिए तो आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा, आप लोग अपना पता नहीं कर पाएंगे मेरा फेसबुक हैक है या नहीं है। तो चलिए छोटा सा वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो जरूर ऑल कर दीजिएगा। तो फिर आप लोग पता करना चाहते हैं कि मेरा फेसबुक हैक है तो उसे कैसे हटाना है, और अगर हैक मतलब हमको पता नहीं है कि मेरा फेसबुक हैक है तो उसे कैसे पता करना है और उस वो हैक है तो उसे कैसे हटाना है, मतलब आपको पता करना है कि। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा फेसबुक हैक है या नहीं है तो आपको ये वीडियो देख लीजिए। अगर हैक होगा तो आप लोग अपना फेसबुक बचा सकते हैं इस वीडियो के जरिए। अगर हैक होने से मतलब अगर कभी आप लोग हैक हो जाए तो भी बचा सकते हैं। अगर ये आप लोग जान के रहिएगा, मतलब पहले जान जाइएगा कि मेरा यहाँ से यहाँ देखने से आपको पता चल जाता है कि फेसबुक हैक यहाँ से हटता है, तो आप लोग उसमें भी ज़रूरी है कि हैक अगर कभी हो जाएगा तो आप लोग बचा सकते हैं अपने फेसबुक को। तो कैसे आप लोग क्या करना है, आप लोग को फेसबुक ओपन करना है, आप लोग को कैसे पता करना है कि मेरा फेसबुक हैक है या नहीं है, तो उसके कुछ नहीं करना, आप लोग का फेसबुक ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोग अपना लोगो, आप लोग कॉर्नर में आप लोग साइड में एक लोगो का ऑप्शन होगा, अपन लोगो पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोगो पर क्लिक कीजिए, लोगो पर क्लिक करने आप लोग सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग पर जैसे क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक करने बाद सी मोर अदर आप लोग ऑप्शन स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर जैसे क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद एक और न्यू ऑप्शन आप लोग देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, क्या जानते हैं, यहाँ पर आप लोग को मिलता है आप लोग को सिक्योरिटी एंड पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है, ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करने एक ऑप्शन आप लोग देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आप लोग को वेयर योर लॉगिन इन, मतलब आपका किस किस में लॉगिन किया है, मतलब फ़ोन में हुआ है और कहाँ का लॉगिन हुआ है, मतलब फेसबुक आप लोग कहाँ लॉगिन किए हैं या कौन लॉगिन करके आपका फेसबुक चला रहा है, मतलब सभी मतलब बता के। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा और जो भी आईडी आपको मतलब हैक हो उस पर आईडी पर क्लिक कीजिएगा। वो क्लिक करने के बाद जितना भी डिवाइस में आपका फेसबुक ओपन हुआ होगा और ओपन चल रहा है तो सभी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ये देखिए मेरा यहाँ बोल रहा है ओप्पो A5 में मेरा मोबाइल है, उसके दिस डिवाइस मतलब ये डिवाइस में मेरा अभी लॉगिन है, ये डिवाइस में चल रहा है मेरा जो है लॉगिन, मेरा और कोई डिवाइस में नहीं, ओनली वन डिवाइस में मेरा ही है। तो देखिए बोल रहा है ये डिवाइस में मतलब यही डिवाइस में मेरा फेसबुक है, अगर दूसरा डिवाइस में रहता तो एक और डिवाइस यहाँ पर देखने को मिलता, तीसरा रहता तो एक और डिवाइस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ हम लॉगिन किए हैं सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग देखने को मिल गया यहाँ पर और आप लोग हैं कि मेरा फेसबुक हैक हो गया, हम कैसे बचाएं, कैसे क्या करें, आप लोग फेसबुक को कैसे बचाएं, तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, यहाँ पर आना और आने के बाद आप लोग को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट देखने मिलता है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो भी डिवाइस आपको हो रहा है संदेह हो रहा है कि हमको ये डिवाइस मेरा नहीं है, इसमें हम लोग कभी लॉगिन भी नहीं किए तो इसमें लॉगिन कैसे हो गया, तो उस डिवाइस पर ऑनलाइन पर क्लिक करना, और क्लिक करने आप लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, यहाँ से क्या करना है आप लॉग आउट कर देना है। जैसे लॉग आउट करिएगा, लॉग आउट पर क्लिक कीजिए, लॉग आउट पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसका जो है उसका मोबाइल से जिसका मोबाइल आप लॉगिन किए होंगे या वो लॉगिन किया होगा उसके मोबाइल से वो आप लोग को हट गया हो, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए मेरा हट चुका है। तो इस तरीका से अपना अपना फेसबुक को बचा सकते हैं हैक होने से, और अगर हैक हो गया तो इस तरह से बचा सकते हैं। अगर हैक होने वाला है तो आप लोग यहाँ से आकर चेक कर लीजिए कि मेरा फेसबुक हैक है या नहीं। आप लोग अगर हैक है तो इस तरह से आप लोग लॉग आउट कर दीजिए, आपका फेसबुक जिस जो भी मोबाइल में आप लोग को लॉगिन होगा या जो भी चला रहा होगा उसके मोबाइल में वो हट जाएगा और वो फिर से लॉगिन नहीं कर पाएगा।
तो इस तरह से अपना फेसबुक को सिक्योर कर सकते हैं और अपना फेसबुक से आप लोग हैक होने से बचा सकते हैं। तो ये छोटा सा जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के टाइम मिलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के साथ। जय हिंद।